हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। आज 25 जनवरी को सोलार इंडस्ट्रीज़ ने अपने Q3 के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, हम आ चुके हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे, जो कि रुपीज़ इन करोड़्स में डाटा को शो किया गया। अब हम बात करते हैं इसकी इनकम के बारे में। तो इस क्वार्टर की जो इनकम निकल के आई है वो है 1818 करोड़ की। यही इनकम पिछले क्वार्टर में 1570 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो इसकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई दी। वहीं अगर हम ईयरली बात करें तो 1024 करोड़ की इनकम की थी पिछले साल कंपनी ने, जो कि अब बढ़कर 1800 करोड़ की हो चुकी है। ईयरली वाइज मुझे लग रहा है अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है इनकम में। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस देखें तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस निकल के आया है वो है 1519 करोड़ का। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 1300 करोड़ का था, पर ये एक्सपेंस पिछले साल 880 करोड़ का था, जो कि अब 1500 करोड़ पे हो चुका है। एक्सपेंस इसका ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर अगर हम इसके प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकल के आया है वो है 219 करोड़ का प्रॉफिट। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 188 करोड़ का था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर अगर हम ईयरली देखें तो 105 करोड़ का प्रॉफिट किया था पिछले साल कंपनी ने, जो कि अब डबल कर चुकी है, 219 करोड़ पे पहुंच चुकी है। एक नज़र इसके ईपीएस पे डालें तो इस क्वार्टर का जो ईपीएस निकल के आया है वो है 22.61 का। यही ईपीएस पिछले क्वार्टर में 19.49 का था और पिछले साल 11.28 का था। 11 के इस ईपीएस से ये 22 पे आ चुकी है। ईपीएस भी इसका डबल हो चुका है और प्रॉफिट भी डबल हो चुका है। ईयरली वाइज देखा जाए तो मुझे शानदार प्रॉफिट, शानदार रेवेन्यू दिखाई दिए। मेरे ख्याल से कंपनी को लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए सही रहेगा, और ये इन्वेस्ट अगर आप इसमें कर रखे हो तो कंपनी को अगर गिरते हुए देखो, यानी बाय ऑन डिप ज़रूर करना। कंपनी अच्छी है, अभी 4 डिजिट पे चल रही है, हो सकता है आने वाले टाइम पे 5 या 6 डिजिट पे भी जाए। शानदार प्रॉफिट और शानदार बिजनेस भी कर रही है। मिलेंगे अगले रिजल्ट की वीडियो में, जिसका आप वेट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।